वो भी ताज़ा ताज़ा, ये देखो। ओ भाई भाई आपकी चप्पलें पहले दो मिनट। ये देखो भाई, ये पूरा टूट के बाहर आ गया। अर्जुन ध्यान से आ रहा है ना, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखो भाई, अरे यहाँ से आ जाओ, प्लाइन लाइन से खाली। अरे नहीं यार, बंद है पूरा, बंद है। हाँ, एक गाड़ी भी नहीं है, एक गाड़ी भी, सब बंद है यहाँ पे। हर तरफ देखो पानी बह रहा है, और यहाँ पे ये सब पहाड़ नीचे आए हुए हैं, सब सब लोग जा रहे हैं पैदल। देखो चंडीगढ़ 51 ये लिखा हुआ। जो कोलैप्स हुआ है वो ब्रिज के भी आगे जाके हुआ है, तो अभी यही जाम 10 किलोमीटर तक है। और अब हाय गाइस, वेलकम बैक ऑन राहिल मुजाहिद व्लॉग्स। तो भाई एक बार फिर से स्वागत है आपका राहिल मुजाहिद व्लॉग्स के ऊपर। तो आप लोग सोच रहे होंगे भाई आज ये माइक वाइक लेके मतलब आज ऐसा क्या होने वाला है। फ़र्क कुछ नहीं है, चिंता मत करो, बस ये कि आज का जो व्लॉग होने वाला है वो आप और मैं दोनों साथ मिलके देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग। तो भाई अभी के यहाँ के 9 बज चुके हैं, और आज शिमला से निकलने का प्लान है। बाहर काफ़ी ज़्यादा बादल हो रहे हैं, और थोड़ी बहुत मतलब बारिश भी हो रही है, और भाई मेरे तो मतलब क्या है, हेडेक हो रहा है बहुत तेज़ वाला। ठीक है, तो अभी हम लोग होटल से चेकआउट कर रहे हैं, मतलब अभी नेक्स्ट 15 मिनट के अंदर। पहले पहले बाहर चलेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, मतलब चाय पियेंगे, क्योंकि बहुत तेज़ मतलब हेडेक भी हो रहा है, और ठंड भी लग रही है यहाँ पर, बहुत तेज़ ठंड पड़ गई है भाई रात के अंदर। तो पहले ब्रेकफास्ट करेंगे, और उसके बाद जो है निकलने की प्लान करेंगे। मम्मी के लिए यहाँ पर ये लिए थे, उन्होंने कहा था कि ये लेकर आना। ये पूरा पैकेट आया था, बट इसमें से 3 जो हैं ख़राब हो गए, मतलब ये दब गए थे, तो इसलिए इस पैकेट को यहीं छोड़ना पड़ेगा, और हम ये लेकर जा रहे हैं। ठीक है, अब आई होप कि ये रास्ते में ख़राब ना हो। ये सबसे ज़्यादा फेमस है यहाँ का, अगर आप शिमला वगैरह आएँ तो ये चीज़ ज़रूर खाएँ और लेकर भी जाएँ। मौसम का हाल देख लो भाई, बादल तो हैं थोड़े बहुत, देखो यहाँ पर ज़्यादा नहीं है, कल तो बहुत ज़्यादा थे। टूरिस्ट भी काफ़ी ज़्यादा हैं अभी, और आई थिंक ट्रांसपोर्टेशन भी बिल्कुल नॉर्मल है, तो वी आर गुड टू गो। अभी 8 मिनट फ्री हो जाए, उसके बाद जो है फिर निकलते हैं यहाँ से। तो भाई अभी हमने भैया से बात करी, और सुनने में ये आया है कि रास्ते वगैरह मतलब खुल चुके हैं, सोलन तक सब कुछ क्लियर है, और जो है बसेस वगैरह कार सब कुछ चल रही है, मतलब सब कुछ नॉर्मल है, बारिश अभी बिल्कुल नहीं है। आई होप कि आगे भी ऐसा ही रहे। ये आ गई हमारी लिफ्ट जिससे हम नीचे जाएंगे आज। ये देखो भाई, ये पूरा पानी यहाँ का, जो ऊपर का पानी नीचे आता है ना, देखो इतनी आवाज़ करता है, बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है। ये क्या है भाई, ये भी कुछ तो है। ओ बहुत बड़ा है भाई, हर जगह। तो यहाँ आपका चार्ज लगेगा 20 रुपये पर बंदा नीचे जाने का, और बैग का अलग से लगेगा। ये लिफ्ट यहाँ से बंद होती है भाई एक तरफ से, और अब खुलेगी तो यहाँ से खुलेगी, ये बढ़िया है। होटल से निकलने के बाद हम लोग गए बस स्टैंड, जो कि वहाँ से 2 किलोमीटर दूर था। वहाँ जाके हमने देखा भाई, मंज़र बहुत ही भयानक था, मतलब कोई भी बस नहीं चल रही थी, गवर्नमेंट बसेस प्राइवेट बसेस सब कुछ कम्प्लीटली शट डाउन था, और हम जैसे काफ़ी लोग वहाँ फंसे हुए थे। अब प्रॉब्लम ये थी कि भाई कैसे जाया जाए, क्योंकि रोड सारे ब्लॉक हैं, और सब लोग मतलब ये बातें कर रहे थे कि बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है धर्मपुर के आगे जाके। तो अब करें तो क्या करें। पूरे 2 घंटे बस स्टैंड के ऊपर स्पेंड करने के बाद एक बस हमें मिलती है, जो कि प्राइवेट बस थी, और उसने कहा कि वो हमें सोलन तक छोड़ देगा। तो सोलन जो है शिमला से सिर्फ 1 घंटे की दूरी के ऊपर है, तो हमने सोचा कि चलो ठीक है यार, यहाँ पर बैठ के करना भी क्या है, वैसे भी रात अभी वैसे ही हो जाएगी। तो 12:30 बजे के आसपास हम लोग सोलन के लिए निकल गए, मतलब हम लोग थे यास्मीन और मैं थे, और काफ़ी सारे अलग लोग भी थे, क्योंकि सब लोगों को अपने अपने घर जाना था। तो सारे टूरिस्ट जो है बस में बैठ के निकल गए सोलन के लिए, और 1 घंटे में हम लोग सारे पहुँच गए सोलन।
एक घंटे बाद हम लोग सोलन पहुंच गए, और वहां पहुंचने के बाद देखा भाई भीड़ मतलब डबल हो गई, क्योंकि जो लोग ऊपर से आ रहे थे मनाली कुल्लू और जो भी ऊपर सिटीज पड़ती हैं वो सब लोग वहां पे आके रुक रहे थे। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये कि सोलन के आगे कैसे जाया जाए। तो एक घंटे हमने वहां पर वेट किया, फिर हमें एक और प्राइवेट बस मिली जो कि हमें धर्मपुर तक छोड़ने वाली थी, और उसने पहले ही कह दिया कि भाई धर्मपुर से आगे मैं नहीं जाऊंगा, बिकॉज उसके आगे रास्ता पूरा जाम है और बहुत बड़े बड़े लैंडस्लाइड वहां पे हो चुके हैं। तो इसीलिए जो भी वहां पे लोग बाग मतलब खड़े हुए थे हम जैसे टूरिस्ट, तो हम सब ने मिलके धर्मपुर तक के लिए बस ले ली। और ठीक एक घंटे बाद हम लोग धर्मपुर पहुंच गए। तो ये सोलन और धर्मपुर के जो बीच का रास्ता था भाई, इतना भयानक था कि मैं आपको बता नहीं सकता। मतलब चारों ओर मलबा पड़ा हुआ है, पत्थर पड़े हुए हैं, पाइपलाइंस पड़ी हुई है, बिजली के पोल्स पड़े हुए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी वीडियो के अंदर। और मतलब इतना भयंकर था कि अब मतलब कैसे करें, कहाँ पे जाएं, कैसे जाएं। ठीक है, तो एक घंटे के बाद हम लोग धर्मपुर के जस्ट जो स्टेशन है वहाँ पहुँच गए थे, और बस वाले ने हमें वहाँ पे उतार दिया। उसने कहा कि भाई इससे आगे जो है गाड़ी नहीं जा रही है, पूरा का पूरा 10 किलोमीटर तक जाम है और अब आपको पैदल ही जाना होगा। भाई ये सुन के मेरा पूरा दिमाग ख़राब हो गया, क्योंकि हम लोग मतलब शूज़ नहीं पहन रखे थे हम लोगों ने, हम लोग सिर्फ सिंपल लोअर टी शर्ट एंड चप्पल के अंदर बाहर आते हैं, बिकॉज हमें लगा यार ठीक है बस में बैठ जाएंगे और जो है घर पहुंच जाएंगे। भाई अब थी रियल प्रॉब्लम, क्योंकि हम सब लोग अब जस्ट रोड पे चलने लगे थे, मतलब ऑफकोर्स काफ़ी सारे लोग थे और ट्रैफिक बहुत ही भयंकर वाला जाम था। मतलब बसेस ट्रक और कैब्स सब कुछ वहाँ पे रुके हुए थे बिल्कुल शांति के साथ, और अभी से ही नहीं पिछले 10-10 घंटे से सब लोग वहाँ पे फंसे हुए थे। और सुनने में ये आ रहा था कि भाई जो लैंडस्लाइड है काफ़ी बड़ा हुआ है, आने वाले 4 से 5 दिन तक भी वो सही नहीं होने वाला। तो भाई ये सुन के हम सब लोग जो है पैदल ही आगे की ओर रवाना हो गए। बाकी सारी चीज़ें एक बार आप देख लो, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ये देखो भाई कोई बस नहीं है यहाँ पे, हम लोग निकल चुके हैं अभी धर्मपुर से आके, और आगे का रोड पूरा टूट चुका है, ब्रिज टूट चुका है, इसलिए सब लोग देखो पैदल ही जा रहे हैं और हम भी उनमें से एक हैं। अभी आपको अपडेट करते रहेंगे। देखो ना कोई गाड़ी आ रही है ना जा रही है, इक्का दुक्का आ रही है खाली लोकल्स की, पूरा रोड जाम है यहाँ पे, सब कुछ टूट चुका है। ये देखो ये पूरा पहाड़ भी नीचे आ गया है। अभी जो मेन हुआ है ना वो अभी आगे जाकर है, वो तो अभी आया भी नहीं है, सब लोग पैदल जा रहे हैं। ओ भाई पुलिस की गाड़ी एम्बुलेंस सब फंसी हुई देखो इसके अंदर, और अभी खुलने वाला नहीं है, ये खुलेगा आराम से अभी पूरे 1-2 दिन के अंदर। ब्रिज कोलैप्स हो गया आगे, लेकिन हम रुक नहीं रहे, हम तो बढ़ गए भाई पैदल ही। भाई बहुत भयंकर जाम है यहाँ पे, और धर्मपुर में हम लोग बस से उतर गए थे, अभी हम लोग पैदल जा रहे हैं, देखते हैं आगे क्या सीन है। हम अकेले नहीं है, बहुत सारे लोग हैं साथ के अंदर, और बहुत भयंकर जाम है, हालात बहुत ख़राब है हिमाचल के अंदर, रोड बंद हैं, ट्रेन बंद है और फ्लाइट्स भी बंद हैं। बाकी देखते हैं आगे जाके, सोलन तक हमने बस करी थी, उसके बाद धर्मपुर तक हम लोग आ गए थे, और धर्मपुर से आगे पूरा बंद है, एवरीथिंग इज क्लोज्ड। भाई इतना भयंकर जाम है यार, पूरा दूर दूर तक सबकी गाड़ियाँ बंद हैं, सब खड़े हैं इसे दिखाते। ओ भाई सब लोग पैदल ही आगे बढ़ रहे हैं भाई, ये देखो ये देखो भाई, यहाँ से ट्रैफिक इनका जो है ना रोक रखा है इन लोगों ने। अंकल जा सकते हैं ना पैदल? ठीक है ठीक है, आ जाओ भाई। देखो यहाँ से थोड़ा ट्रैफिक रोक रखा है, और आगे कुछ ना कुछ बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है, टोल तक है, ये तो बंद टोल तक बंद है अभी।
हाँ हाँ वो तो आपके ऊपर है। हाँ अब देखते हैं भाई, पहली बार हिमाचल में पैदल चल रहे हैं। ट्रैफिक का इशू होगा ना फिर आगे जाके, चलो देख लेंगे, तो मिल जाने चाहिए। हाँ इस पॉइंट के आगे ट्रैफिक अलाउ नहीं कर रही लोग, क्योंकि आगे बहुत बड़ा कोलैप्स हुआ है और हम लोग अभी वहीं जा रहे हैं पैदल पैदल। बहुत सारे लोग, कम से कम पूरी बस के लोग हैं 50-60 लोग, और वहाँ देखते हैं कुछ व्हीकल मिलता है तो वहाँ से पकड़ते हैं। जयपुर में बारिश है अभी, वैसे अगस्त के बाद ही घूमने का है। हाँ उसके बाद तो गर्मी बहुत तेज पड़ती है जयपुर के अंदर, भयंकर वाली। भैया ब्लॉग है, पूरा ब्लॉग है। ओ भाई ये वापस जा रहे घूम के, है ना, प्रॉब्लम हो गई है तो वही। अरे यार पूरा जाम देखो, पूरा तो टूटा कहाँ से, तो समझ नहीं आ रहा। उससे आगे टोल। अच्छा वो वाला टूटा है शायद, उससे भी आगे। हाँ, अच्छा गाड़ी फिर से यहाँ पर रोक लिया किन लोगों ने। तो जो अभी गाड़ियाँ आगे जा रही थी भाई, वापस घूम के आ रही हैं वो लोग, बोल रहे हैं कि आगे मत जाओ, आगे बहुत बड़ा कोलैप्स है और अलाउ नहीं कर रहे हैं। फिर भी यहाँ तक आ गए तो आगे चलते हैं भी, देखते हैं। दिख रहा है मुझे यहाँ से लेकर पूरा एंड तक पूरा मतलब जाम लगा हुआ है, बहुत भयंकर वाला। और चलो चलते हैं वहाँ पर और देखते हैं अभी क्या सीन है पूरा। धर्मपुर से मतलब हम लोग अभी आगे आ गए हैं। हाँ भाई सारे के सारे जो घूमने आए थे सब लोग अब जा रहे हैं रोड से। कभी सोचा नहीं था कि भाई इस तरह से हिमाचल की ट्रिप पूरी होगी, आपको रोड पे खुद चलना पड़ेगा। और भाई देखो हम ही नहीं है, आगे भी बहुत लोग जा रहे हैं और हमारे पीछे भी बहुत लोग आ रहे हैं। वो बात अलग है कि हम सबसे आगे आ गए अभी। चढ़ाई नहीं है उतराई है फिलहाल तो, लेकिन चढ़ाई भी आएगी अभी। चढ़ाई नहीं आएगी, चलो ये भी सही है, इसीलिए हम ट्रैकिंग बैग लेके आए थे। इनको क्यों अलाउ कर रहे हैं यार, ये कौन है? वाई दे अलाउ जाने दे रहे हैं आपको, वहां नीचे रुकना पड़ेगा तक है, बस होल तक। तुम्हें कुछ खाना है क्या? ये देखो भाई ये गिरा पड़ा है पूरा पूरा पहाड़, इसकी बदौलत हम लोग पैदल चल रहे हैं। लेकिन अभी वो जो बड़ा वाला है वो तो नहीं आया ना अभी, जहाँ पूरा रोड चला गया, छोटी मोटी ये तो खैर। ये ना बड़ा वाला, हाँ बट अभी भी एक जोर तो चालू नहीं वाला, जो बड़ा वाला है वो तो आ गया अभी भी। तो हाँ पूरा ही गया हुआ है, ये लोग भी रुके हुए क्या अपनी तरह? ये देखो भाई ये पूरा नीचे आ गया। ओ भाई पेड़ पानी के पाइप सब बाहर। देखो सब लोग आ रहे हैं। पूरा नीचे आ गया भाई ये तो। ओ भाई नेशनल हाईवे बंद है आज। कौन सा हाईवे अंकल? नेशनल NH8 है ना? हाँ एक गाड़ी भी नहीं है, एक गाड़ी भी, सब बंद है यहाँ पे। हर तरफ देखो पानी बह रहा है और यहाँ पे ये सब पहाड़ नीचे आए हुए हैं, सब सब लोग जा रहे हैं पैदल। देखो चंडीगढ़ 51 ये लिखा हुआ। कभी सोचा होगा कि आप ये यात्रा पैदल करेंगे? कौन सा किलोमीटर है? 51 हाँ चंडीगढ़ यहाँ से। हाँ जी चंडीगढ़ 51 है यहाँ से। देखो पीछे बहुत लोग आ रहे हैं मेरे, ये रहे हम जा रहे, हमारे सारे बस वाले पैदल जा रहे हैं आज। अभी तो बहुत दूर है, 51 तो बहुत दूर होता है। देखो वहाँ से लगा हुआ जाम पूरा एंड तक, टोल से आगे नहीं छोड़ रहा। हाँ टोल से, अच्छा टोल पे रोक लिया तो उसके आगे भी जाम होगा इसका मतलब। अरे यार बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ से फिर से लाइन स्टार्ट हो गई जाम, और ये पूरा 10 किलोमीटर तक है। आगे एक टोल है जहाँ पे इन सब गाड़ियों को रोक रखा है, और जो कोलैप्स हुआ है वो ब्रिज के भी आगे जाके हुआ है। तो अभी यही जाम 10 किलोमीटर तक है, और अभी आपकी जानकारी के लिए चंडीगढ़ अभी पूरा 51 किलोमीटर दूर है।
मुझे नहीं पता भाई हम लोग कैसे पहुंचेंगे, बस आगे बढ़ते जा रहे हैं हम लोग तो। ये देखो लड़ाई हो गई यहाँ पे। चलो चलो चलो, ये होता है रोड पे। देखो ये गाड़ियाँ, चलो चलो चलो, ये गाड़ियाँ बीच में डालते हैं ना। और भाई ये तो पूरा ही गया भाई, इसमें देखो वो भी ताज़ा ताज़ा। ये देखो ओ भाई, आपकी चप्पलें पहले। ये देखो भाई, ये पूरा टूट के बाहर आ गया। लेकिन ध्यान से आना है ना। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखो भाई पूरा रोड गया है, पूरा रोड। पीछे आओ पीछे आओ पीछे आओ, बंद है सर रोड। यहाँ से आ जा, तो वहाँ से चलो ना फिर उधर से। अरे यहाँ से आ जाओ, लाइन लाइन से खाली। अरे नहीं यार, बंद है पूरा बंद है। निकल जाने दो पहले ध्यान से। हाँ भाई इधर आ जाओ फटाफट, ध्यान से है ना। भाई आधा घंटा तो चुका है चलते चलते, और अभी भी चले जा रहे हैं। मतलब अभी भी पूरा जाम लगा हुआ है, आई डोंट नो कब तक रहेगा भाई। पूरा ही थक गए, बहुत तगड़े वाले। पूरी चप्पल पर सब खराब हो गई, पैर खराब हो गए, पता नहीं क्या करना है। देखो भाई यहाँ पे सब व्हीकल को रोक रखा है पीछे, मतलब सब कुछ देखो ये रोक रखा है सब लोगों को इस स्टॉल के ऊपर, और इसके आगे पूरी आवाजाही बंद है। तो भाई पूरे एक घंटे सफ़र करने के बाद ये जो आपने अभी टॉल देखा, ये धर्मपुर के बाद ही आता है। तो इस टॉल से आगे कोई भी गाड़ी नहीं जा रही थी, मतलब अब जो हमें रोड मिलने लगा वो बिल्कुल शांत रोड था, और वही चारों ओर मतलब तबाही तबाही, और कुछ नहीं था। और हम जैसे ट्रेवलर्स मतलब चल रहे थे, राइट। अब प्रॉब्लम ये थी कि इतना लंबा सफ़र, मतलब 20 से 25 किलोमीटर तक कैसे जाया जाए, इतने भारी भारी हमारे पास बैग थे, सामान था, उसको कैसे वहाँ तक लेके जाया जाए। तो भाई इतना लंबा सफ़र तय करने के बाद किस्मत से, मतलब हम लोग बहुत ही लकी थे कि हमें एक नगर निगम की गाड़ी मिल गई, और जो है वो वहीं पर जस्ट घूम के जा रही थी। और जैसा कि आप जस्ट देख सकते हैं कि एक आंटी और एक भैया थे, वो लोग उसके अंदर बैठ रहे थे, तो फटाफट हम लोग गए उनसे, हमने पूछा कि क्या हम इसके अंदर बैठ सकते हैं, क्या आप हमें आगे छोड़ देंगे। उन्होंने कहा ठीक है हम आपको आगे छोड़ देंगे। तो भाई फटाफट से हम उसके अंदर बैठे और जो है आगे की ओर रवाना हो गए, बाकी आप खुद अपनी आँखों से देख सकते हैं। फिर चंडीगढ़ भी जा सकते हैं, जैसे कोई ना आगे तो गाड़ियां बंद है। खुला तो था, तो अभी फिर से गिर गया। 50 गाड़ियां छोड़ी, फिर से गिर गया, फिर से गिर गया। अभी वही वाला जिसके यहां, तो फिर बंद कर दिया, मतलब फिर से बंद कर दिया। ये गाड़ियां छोड़ ले, ये भी गायब है पूरा का पूरा। रोड सारी नीचे पर ही पहुंचते हैं बस केस में। पापा
एक और आ गई है ना, बहुत टाइम लग जाएगा ये तो पूरा करने में, बहुत ज्यादा हुआ है तो। फिर से बंद कर दिया क्या? अच्छा बहुत डेंजर लग रहा है देखो, इस पिकअप में बहुत सारे लोग भरे हुए हैं। नहीं नहीं मैं भी कर दूंगी। तू नीला खोलना एक बार ध्यान से, लाइए थैंक यू। अब जूते खुल गया ना, अब शूज अपन पहन सकते हैं मेरे ख्याल। चलो यहाँ पहुँच गए, सामने बड़ा हुआ लैंडस्लाइड है और अभी अंकल ने उन्होंने छोड़ दिया है। चलो भाई ये हो गया पूरा, अंकल थैंक यू। देखो भाई ये गाड़ी भर के आई पीछे से। तो भाई ठीक आधे घंटे बाद हमें इस भैया ने छोड़ दिया था ठीक उस जगह पे जहाँ पे वो लैंडस्लाइड हुआ था, और उसके आगे जाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था क्योंकि वहाँ सब तरफ पुलिस खड़ी हुई थी। और अब जो है हमें वो जो हिस्सा था वो पैदल पार करना था क्योंकि वो इतना भयानक था कि भाई वहाँ मतलब पूरा का पूरा पहाड़ गायब हो गया था, मतलब इतना भयंकर था वो। तो उस मंज़र के मतलब आते ही सब ने अपने फ़ोन वगैरह सब कुछ बंद कर लिए थे बिकॉज भाई सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए मैंने रिकॉर्डिंग वहाँ पर बंद कर दी थी। और उसको पार करके हमें जो प्रशासन है और जो हिमाचल की पुलिस है उसकी हेल्प से हमने वो वाला हिस्सा पार करा और उस और जाके हमें बस मिली वहाँ पे। और बस के अंदर बैठ के हमने क्या किया वो आप जो है देख सकते हैं। अच्छा आगे वो पॉइंट आने वाला है जहाँ पे कोलैप्स हुआ है, तो देखते हैं भाई। हाँ थोड़ी बहुत पैर वैर सब टूट गए भाई मेरे, अब बिल्कुल भी चल नहीं जा रहा। ओह गॉड चप्पल देखो, हम लोग चप्पल पहन के आए थे जानबूझ के ताकि अच्छा रहे जर्नी के अंदर, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही पड़ गया। ये देखो पूरा बंदे यहाँ निकल गया, निकल गया, निकल गया, यहाँ पूरा जाम है। निकल गए भाई। अच्छा यहाँ भी रोक रखा हो आगे बहुत दूर। निकल गए, निकल गए, छाले हो गए मेरे तो पैरों में। ये देखो आप लो भाई सब बंदे, अभी कंडीशन ये है कि जहाँ पूछो मत कहाँ जाना है, बस बस मिल ली ले लो उठा के बस। ये देखो पूरा हालात खराब, ओ भाई पूरा तबाह हो गया। तो अब यहाँ जाम फिर से, हाँ हाँ भाई देखो सारा पानी वहीं से आ रहा है। हाँ तभी तो रोक दी इस वाली को भी कि ये पोली हो गई होगी यहाँ से, ये भी बैठ जाएगी अभी भी बहुत ज्यादा। अभी अब नहीं जल्दी नहीं खुलेगा, ये जल्दी नहीं खुलेगा अभी। ये देखो ये गया, ये गया, ये गया, देखो ये गया, ये गया, अरे देखो ये गया, ये गया, ये गया, पूरा पूरा रोड ही गया पूरा भाई। ओ गॉड देखो पूरा गया भाई, तो खत्म है पूरा रोड ही। हाँ पूरा रोड गया उधर का खत्म है। अगर मान लो वो भी खुल गया तो ये क्या करेंगे, ये भी गया भाई। भाई अपन किस्मत वाले, अपने को गाड़ियाँ मिल गई देखो बता रहा हूँ मैं। हाँ ऐसे हजारों में से अपन लोग जा रहे हैं खाली एक गाड़ी में, दो घंटे। अभी वो जहाँ पे ब्रेकेज था वो हमने पार कर लिया यहाँ से, और उसके बाद हमें एक बस ही मिल गई और पुलिस वालों की हेल्प से हमने पूरा वो जो जहाँ पे मेन पॉइंट था पूरा जो रोड गायब था वो भी पार किया बड़ी मुश्किल से, क्योंकि आप देख चुके होंगे ऑलरेडी। और अभी हम लोग निकल रहे हैं आगे की तरफ, मतलब हर जगह है लैंडस्लाइड, ऑलमोस्ट हर जगह है। देखो अभी भी फिर से क्या हुआ, कोई आ रहा है। तो अब जो रास्ते में सब लोग जा रहे हैं उनको ले रहे हैं और सब लोग जो है साथ में जा रहे हैं। भाई देखो ये पूरी बस खाली है यहाँ पे, अभी बस अच्छे से जो है कालका हम लोग पहुँच जाए उसके बाद मैं आपको अपडेट करूँगा। जो गाड़ी चंडीगढ़ से आ रही है उनको देखो यहाँ रोक रखा है सब लोगों को।
तो भाई इस बस के अंदर बैठ के हमने पूरा जो पहाड़ी इलाका था, पूरा जो हिमाचल था, वो पार किया अच्छे से। हमने बस वाले भैया को बहुत ज़्यादा थैंक यू कहा कि भाई आप जो है सही टाइम पे आ गए ताकि हम जो है वहाँ से निकल पाए। तो भाई हम 6:30 बजे पंजाब पहुँच चुके थे और पंजाब पहुँच के हमने फिर बस ली दिल्ली के लिए और हम रात को 11:30 बजे दिल्ली पहुँच चुके थे। और उसके बाद जो मेरी सिस्टर हैं हुमा, वो हमें लेने आई थी गुड़गांव से, तो हम 11:30 बजे दिल्ली पहुँच गए थे और 1 घंटे में गुड़गांव पहुँच गए। हमने वहाँ पर स्टे किया और उसके बाद जो है हम लोग जयपुर के लिए रवाना हुए। ओ भाई हम लोग पहुँच चुके हैं अब दिल्ली। भाई 12:30 बज चुके हैं, बहुत ही हैक्टिक पूरा जर्नी रहा, आपको सब चीज़ दिखाऊंगा मैं। और अभी हुमा बाजी और शहबाज भाई हमें लेने आ चुके हैं यहाँ पे। अभी हम लोग जा रहे हैं गुड़गांव और जो है पैरों में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है भाई, पट्टी बांधनी पड़ेगी आज तो। भाई गुड़गांव पहुँच चुके हैं और मैं जस्ट अभी मतलब नहा कर बाहर आया हूँ। मेरे पैर दिखाऊँ आपको मैं भाई, मतलब दिखाता हूँ पहले मैं, फिर बात करते हैं हम। ओ भाई ये देखो पूरे पैर के ऊपर छाले हो गए हैं और पैर भी सूज गए हैं मेरे भी और यास्मिन के भी। और सुबह से हमने खरी मैगी खाई थी आपके सामने, पता नहीं मैंने दिखाया था, नहीं दिखाया मैंने। सुबह हमने मैगी खाई थी और चाय पी थी, उसके बाद से कुछ भी नहीं खाया, बस चल रहे हैं लगातार। तो कैसे चले, कहाँ पहुँचे भाई, ये सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ जब तक, तो खैर ठीक है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं डिनर करने के लिए, जो कि तो भाई जो भी एक्सपीरियंस था मतलब ऑफकोर्स बहुत भयंकर था, लेकिन ये बात भी सच है कि जो स्टार्टिंग के 3 दिन थे, मतलब 2 दिन हमने गुजारे चंडीगढ़ के अंदर और 3 दिन हम लोग रहे शिमला के अंदर, तो जो ऊपर था वहाँ इतना कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, इतनी कोई प्रॉब्लम की बात थी नहीं। लेकिन जो मेन चीज़ है वो है रास्ते आपके, और यह आपकी किस्मत है कि अगर आप बाहर निकल रहे हैं और जो है उसी वक्त लैंडस्लाइड हो जाए, उसी वक्त रास्ते आपके सामने टूट के बह जाएं, राइट। क्योंकि जब हम लोग निकले थे उसके 3 घंटे पहले ही वो लैंडस्लाइड हुआ था, मतलब सुबह 9 बजे तक वहाँ से गाड़ियाँ गई थी अच्छे से बिल्कुल। जो लैंडस्लाइड हुआ था वो 9 बजे बाद हुआ था, राइट, और हम लोग वहाँ पहुँचे 11 बजे के आसपास। तो हमारे पहुँचने के 2 घंटे पहले ही वो पूरा का पूरा पहाड़ भाई बह गया, निकल गया, ठीक है। तो अगर हम एक दिन पहले भी शिमला छोड़ते ना तो हम आराम से मतलब बिना किसी प्रॉब्लम के अपने जहाँ भी हमें जाना था वहाँ हम ईजिली पहुँच जाते। तो चलिए खैर ठीक है जो भी है, बट ध्यान रहे कि ऐसी जगह पर आप फंस जाएं तो भाई पैनिक बिल्कुल नहीं होना है, बिल्कुल अच्छे से सूझबूझ के साथ में दिमाग के साथ में आपको काम में लेना है, ठीक है। और जैसा भी है दिमाग को अपने कंट्रोल में रखे और सिचुएशन को समझ के आगे बढ़ना है, क्योंकि पहाड़ों पे लैंडस्लाइड नॉर्मल है, राइट। अगर हालत बहुत ज़्यादा ही ख़राब हैं तो आप जो है नगर निगम और जो भी वहाँ की पुलिस है उसकी आप इजीली हेल्प ले सकते हैं। जैसा भी एक्सपीरियंस था भाई बहुत ही हॉरिबल था, और मतलब आई कैन नॉट जस्ट एक्सप्लेन इन द वर्ड्स। और जैसा कि आप जानते होंगे ऑलरेडी, हिमाचल गवर्नमेंट ने या फिर जो पूरा नुकसान हुआ है हिमाचल को, पूरा 4,000 करोड़ से भी ज़्यादा का हुआ है। और मतलब क्या हाल होगा उन लोगों का जिन लोगों ने अपने जो घर हैं, मकान हैं, होटल्स हैं, या फिर जिनके अपनों की जो जान चली गई है इस पूरे बाढ़ के अंदर, इस पूरे फ्लड के अंदर, उनके हालात तो हम जो है मतलब एक्सप्लेन भी नहीं कर पाएंगे इस वीडियो के अंदर। बस यही कहेंगे कि सबको शांति मिले, तसल्ली मिले, और जिसने जो कुछ भी खोया है उसको वापस से वही चीज़ एक अच्छी मल्टीप्लाई होके, एक अच्छे वे के अंदर उसको वापस से वही चीज़ फिर से मिल जाए। और ऐसी जो आपदाएं हैं ऐसी आगे फ्यूचर के अंदर कभी ना हो, तो इसलिए ध्यान रहें जब भी आप लोग पहाड़ों के अंदर जाएं भाई, बिल्कुल भी कचरा ना करें। और क्योंकि यही चीज़ जो बिल्कुल बेसिक बात मैं आपसे बोल रहा हूं, लेकिन यही चीज़ जो है बहुत ही बड़ा डिज़ास्टर के रूप में ले सकती है, और वही पहाड़ों पे होता है। तो अगर आप जाते हैं घूमने जाएं, बिल्कुल शांति से जाएं और बिल्कुल नॉर्मल लाइफ वहाँ पे स्पेंड करके, अच्छे से कंट्रोल करके हर चीज़ वहाँ पे स्पेंड करें, और ज़्यादा ऐसा कोई भी हरकत ना करें जिससे जो नेचुरल चीज़ें हैं वो किसी भी तरह से डिस्टर्ब हों, चाहे कोई रिवर है, चाहे कोई वाटरफॉल है, या कोई भी एनिमल है, उसको वो जैसा है उसको वैसा ही रखें। आप जाएं अच्छे से मज़े करें, अपने कंट्रोल में आके, अपने मतलब जो भी है बिना कुछ गंदगी फैलाए मतलब वहाँ पे, और वहाँ पे रहें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। अब मिलेंगे आपसे हम चंडीगढ़ के अंदर, क्योंकि हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर चंडीगढ़ का व्लॉग स्टार्ट करने वाले हैं, तो आपसे वहीं पर मिलेंगे। लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जाना भाई, बहुत मज़ा आने वाला है आगे जाके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।